शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट पेश करते हैं आज की खबरें। बहादुरगढ़ में मंगलवार को दिनभर आज शहर में नगर परिषद द्वारा सड़कों पर से अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए लोगों पर नगर परिषद द्वारा पीला पंजा चलाया गया। वहीं सुरेंद्र सैनी नया गांव, जिसकी दुकान भगवान परशुराम द्वार के पास बनी, वह पिछले 6 महीने से चाय व ठंडे बेचने का काम करता था। उन्हें नगर परिषद द्वारा पीला पंजा चलाकर तोड़ दिया, जिसकी दुकान भी अवैध रूप से बताई जा रही थी। सुरेंद्र सैनी का कहना था कि उसकी दुकान इसलिए तोड़ी गई क्योंकि वह सैनी समाज से है और बीजेपी का कार्यकर्ता है। वहीं लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें किसी राजनीति के तौर पर इस्तेमाल कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जो कि किसी कारण से अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर पेट पाल रहे हैं। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों ने उनकी रेहड़ी पटरी की दुकान पर भी पीला पंजा चलाकर उन्हें भूखा मरने की कगार पर देखना चाहते हैं। वहीं लोगों ने नप चेयरपर्सन पर आरोप लगाते हुए कि नप चेयरपर्सन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, जबकि चेयरपर्सन ने आज तक कोई भी काम बिना किसी भेदभाव के किया है और शहर में विकास के काम कर रही हैं और अपने शहर की देखभाल कर उन्हें साफ सुथरा रखने व अवैध रूप से अतिक्रमण हटाकर सुंदर शहर की कल्पना के साथ बहादुरगढ़ शहर में अपना काम कर रही है। वहीं इस मौके पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। नगर में बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, इसी तहत से जोड़ी गई सर। तो सर क्या लगता है कि जो बहादुरगढ़ में आज अनेकों जगह से अतिक्रमण हटाया गया था, तो उसकी तरह से देख रहे हैं आप या किसी जो है पॉलिटिकल की वजह से? जाति के उससे ज़्यादा वो किया गया सर। मैं सैनी हूँ, इसी वजह से कुछ बीजेपी कार्यकर्ता हूँ मैं सर। और ये कांग्रेस कितने का नुकसान हुआ सर आप? कम से कम 1.5 लाख रुपये का सर। नहीं, मैं बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का कार्यकर्ता होते हुए मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मैं जैसे ये गांव मेरे गांव से हैं और अपने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो ये जो सारा काम किया गया है सिर्फ राजनीति तहत किया गया है कि वे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जितने भी ये काम जो छोटे मोटे लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनाया कि उनके फुक्के तोड़े जाएं, उनका काम धंधा चाहे कोई चाय बना के कर रहा है, चाहे कोई अपना कोल्ड ड्रिंक बेच के या चिप्स बेच के जो भी कर रहा है, तो उनका मोटो यही है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपना काम ना कर पाए और उनको कैसे न कैसे तंग किया जाए। तो विधायक जी से भी इस विषय पर मेरी बात हुई थी, तो विधायक जी ने यही बोला था कि मेरी ईओ साहब से बात होगी है और ईओ साहब ने कहा था कि जी आपकी परमिशन के बगैर मैं कहीं भी ये तोड़ फोड़ करने नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये चीज़ कहता हूँ कि पता नहीं बहादुरगढ़ में कहाँ कितना क्या क्या चीज़ें, कहीं रोड पे कोई बाइक खड़ी है, कहीं रिक्शा खड़ी है, कहीं रेहड़ियाँ खड़ी हैं, पता नहीं क्या क्या मतलब अवैध है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इस चीज़ को हटाना ही है, अगर ये नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं या अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं बहादुरगढ़ में साफ़ सुथरा करना चाह रहा हूँ, तो एक एक चीज़ को हटाए, किसी कार्यकर्ताओं को तंग ना करे। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को मैं विधायक जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि विधायक जी आप भी अपना एक्शन लीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर संज्ञान लें और अपने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको तंग ना किया जाए, यही आपसे प्रार्थना है। सर डीसी भी दरबार लगाएंगे क्या ये? हाँ, तो परसों मैंने बोला है इनको जो जिनके तोड़े गए हैं, परसों शाम को डीसी मैडम का परनाड़ा में प्रवास है, तो मैंने इनको बोला है कि डीसी मैडम को भी ज्ञापन दे और जो भी कार्रवाई है डीसी मैडम इस पर करेंगी वो उस पर उचित कार्रवाई की मैंने बात भी की है डीसी मैडम से, तो उन्होंने बोला है कि सैनी साहब हम जो भी उचित कार्रवाई है हम इस पर करेंगे। हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें।